نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। खावंद को राह रास्त पे लाने के लिए निहायत मुजर्रब कुरानी अमल है कि वो आप के हक में भी हो जाए, अल्लाह रसूल का फरमाबरदार भी हो जाए। बेरा रवी का शिकार है, भटक चुका है, गलत कामों में पड़ चुका है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे हदायत अता फरमा दे। बहुत सी ख्वातीन परेशान होती हैं और वो हमसे राब्ता करती हैं कि हमारा शोहर भटक चुका है, फिस्को फजूर के अंदर, नाफरमानी के अंदर और बेरा रवी का शिकार होकर गलत ख्वातीन के साथ ताल्लुक बना चुका है, तो इसके लिए कोई खास अमल दें। याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ का एहतमाम रखें, अल्लाह उसको हदायत अता फरमाएगा और उसके साथ साथ दुआओं के साथ साथ आप जो है दवा का एहतमाम भी करें। दवा क्या है कि आप अपने खावंद को इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम आपने रोजाना 70 बार पानी पे दम करके पलाना है और उसके लिए दुआ भी करनी है। ये पढ़ अगर वो गायब है तो खाली दुआ करें और अगर वो हाजिर है तो उसको खाने पीने पे ये दम कर दें और ये उसको खिलाएं और पिलाएं। अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को हदायत की तरफ ले आएंगे, गलत तरफ से उसका जहन हटता चला जाएगा और वो आपकी मोहब्बत में और आपके कुर्ब में मुब्तला होता चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल में बेरा रवी और बाहर के माहौल की फिस्को फजूर की नफरत पैदा कर देगा। ये अमल आप जितने दिन चाहें करें और आप जब तक चाहें करें, निहायत मुख्तसर अमल है लेकिन है मुजर्रब तरीन अमल। ये वो अमल है जो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कुरान की शक्ल में हमें दिया और हम हर नमाज की रकत में दुआ करते हैं, अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता रहनुमाई फरमा। अब आप अल्लाह से दुआ भी करें और पानी पे दम करके खिलाएं पिलाएं भी, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला उनको राह रास्त पर भी ले आएंगे और हदायत कामला भी अता फरमाएंगे। इसके अलावा भी अगर कोई भटक चुका हो, जो रास्ते से हट चुका हो, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। वा आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।